हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे सिंघाड़े का निमोना, या फिर आप इसे कढ़ी भी कह सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे जीरा 1 चम्मच, लहसुन 10-12 कलियां, लाल और हरी मिर्च, काली मिर्च, लौंग, थोड़ी सी बड़ी इलायची 1 पीस। इनको हम ग्राइंडर में डाल देंगे और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसका एक पेस्ट बना लिए हैं। तो ये ग्राइंडर है और यहाँ पे मैंने 1/2 किलो लिया है सिंघाड़े, उसको हमने छील लिया है, उसके छिलकों को उतार दिया है। यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। तो ये हैं सिंघाड़े जो कि हमने इसको पीस में कट कर लिया है। ये आप देख सकते हैं हाथ मेरा काला हो गया है सिंघाड़ा छीलते वक्त। तो चलिए अब इसे हम ग्राइंडर में डाल दें, मसाले लगे रहने दें क्योंकि टेस्ट इससे और अच्छा लगेगा खाने में। तो ये मसाले हमने पीस के तैयार कर लिए हैं और ये कटे हुए सिंघाड़े हम इसमें डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। और ये थोड़ा सा इसका दरदरा पेस्ट बनाना है हमें, तो हम इस तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो अब हम एक कढ़ाई या किसी पतीले में, जो आपके पास बर्तन अवेलेबल हो उसे रखिए गैस पर, उस पर डालिए तेल। तेल हम थोड़ा सा ज़्यादा या कम आप अपने आवश्यकता अनुसार लीजिए। और तेल को हम गर्म होने देंगे थोड़ा सा। जब उसमें धुआं निकलने लगे तो हम उसमें डालेंगे हाफ थोड़ा सा 1 पिंच हींग और ये मसाले जो हमने पीसे थे। और यहाँ पे हमने 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला लिया हुआ है। इसको हम भुनेंगे, थोड़ा सा पानी डाल लें या फिर, क्योंकि हमने मसालों में पानी पहले से ही ऐड किया था तो मसाले जलेंगे नहीं, इसको तेल छोड़ने तक इंतज़ार करेंगे। और इसको हम ढक देंगे ताकि ये मसाला अच्छे से पक जाए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। ये मसाले एकदम तेल देखिए छोड़ चुके हैं। 1 पीस बड़ा वाला टमाटर था तो मैंने उसे कट करके डाल दिया है। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये है हमारा सिंघाड़े का पेस्ट, ये कच्चा सिंघाड़ा ताज़ा जो मार्केट में आता है लीजिए। बहुत ही अच्छी कढ़ी या जो कहिए आप निमोना, जैसे मटर का बनाते हैं, आज इसे भी ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ी देर इसको हम 10-5 मिनट भुनेंगे मीडियम फ्लेम पर एकदम। इसको लगातार चलाते जाइए ताकि ये नीचे लगे नहीं। फिर अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े साइज का आलू कटा हुआ, महीन काट लेंगे उसे बारीक। तो अब हम इसे भी मिला लेंगे और इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अनुसार नमक। नमक डालने के बाद आप इसे अच्छे से भूनिए, इसकी महक और इसकी ये जो हमने खड़े मसाले यूज किए हैं और थोड़ा सा गरम मसाला, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। हरे मटर का निमोना आपने तो कई बार खाया होगा, बस एक बार इसे भी ट्राई कीजिए। तो अब हम उसे ग्राइंडर में पानी डाल देंगे ताकि सब कुछ अच्छे से छूट जाए उससे। और ये 200 ग्राम पानी और डाल देंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सब कुछ एक दूसरे से मिल जाए। जैसा कि आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं ये कितनी गाढ़ी है। तो अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे और इसमें बॉइलिंग आने लगी है। तो आप देख सकते हैं कि ये उबलने लगा है एकदम अच्छे से। तो ये हमारी कढ़ी या फिर निमोना, आपको जो मन करे वो कहिए। तो ये तैयार है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही महक इसकी प्यारी आ रही है। तो चलिए अब हम इसको थोड़ा सा चला लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से थोड़ी कटी हुई बारीक धनिया। अगर आप चाहें तो जो सिंघाड़े का पेस्ट है उसमें थोड़ा सा आटा मिलाकर, या फिर थोड़ा सा आटा मिलाकर आप उसकी पकौड़ियाँ छानकर डाल सकते हैं, जैसे कि हम कढ़ी में डालते हैं। या फिर निमोने के तरीके आप इसे बिना कढ़ी, बिना उसे पकौड़ी डालकर यूज कीजिए। तो ये हमारी तैयार है आज की स्पेशल कढ़ी या फिर निमोना। तो ये रेसिपी कैसे लगी आपको कमेंट में बताइए।
थैंक यू।